नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी जीके पर। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग की सीरीज का फर्स्ट संभाग और फर्स्ट जिला जबलपुर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस सीरीज के माध्यम से हम यह कोशिश करेंगे कि जिलों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, उनको हम मैप और ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से याद करवा दिए जाएं। इसमें हम जबलपुर की भौगोलिक दृष्टि, पर्यावरण, धार्मिक स्थल, किले, मंदिर, योजनाएं एवं अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसके पॉइंट को एक भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट मैप है जो एमपी में मैंने दिखा रहा हूँ आपको, राइट कलर से ब्लिंक हो रहा होगा आपको। ये है जबलपुर, एमपी में लोकेशन कहाँ, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये सेकंड मैप जो मैंने एमपी को, एमपी में जो जबलपुर है उसको आपके लिए बड़े रूप में लाया हूँ, जिसमें आपको जीसीएफ फैक्ट्री वगैरह, डुमना, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। और आइए हम देखते हैं इसका थर्ड मैप, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में संभाग के द्वारा जो पढ़ाया था उसमें सारे संभाग पढ़ाए, तो उसमें जो जबलपुर कहाँ लोकेशन है जबलपुर संभाग में, आपको ये भी राइट कलर से इसमें भी दिख रहा होगा, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आइए इसी तरह अब हम मैप के और ट्रिक के माध्यम से आगे स्टार्ट करते हैं जबलपुर। तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं दोस्तों कि कैसे क्या जबलपुर बना। तो दोस्तों ये जबलपुर का मैप, और अब हम देखते हैं जबलपुर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे शायद, ज्वाली ऋषि थे, उनकी तपोभूमि होने के कारण जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा दोस्तों। और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, पावन नदी नर्मदा, जिसकी कुल टोटल सहायक नदियां हैं दोस्तों 41। और जो नर्मदा है दोस्तों, वो भारत की पांचवी बड़ी नदी है। आपको ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट ही होते हैं, इसलिए आप ये याद रखें कि जो पांचवी बड़ी नदी है नर्मदा और इसकी कुल सहायक नदियां हैं 51। और दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, प्राचीन नाम जबलपुर का दोस्तों था जवालीपुरा, जो कि हमारे जवाली ऋषि की जो तपोभूमि थी उसी के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा था। और त्रिपुरी नाम से भी जाना जाता था दोस्तों जबलपुर को, और महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी। और जो अन्य नाम है दोस्तों, अभी भी संगमरमर की नगरी अभी भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ संगमरमर व्हाइट सफेद सफेद कलर का संगमरमर पाया जाता है। और संस्कार धानी आप तो जानते ही होंगे, और न्यायिक राजधानी भी है जबलपुर का नाम, जैसा कि यहाँ पे आप जानते होंगे हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का। और नेक्स्ट है दोस्तों की कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है दोस्तों ये राजपूत काल में। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्हें जरूर याद रखें। गौड़वाना राज्य का क्षेत्र का मध्य बिंदु भी रहा है दोस्तों मध्य युग में, आप ये जरूर याद रखें। तो ये फैक्ट थे, और आई नेक्स्ट पेज में भी देखते हैं, ये मैप है दोस्तों जबलपुर का। और नेक्स्ट जैसे कि 1781 के बाद मराठों का मुख्यालय रहा दोस्तों सागर, और जबलपुर एक साथ उस टाइम मुख्यालय बने थे। तो ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो हिस्ट्री के जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इनको भी पहले बता दूं, फिर अपन आगे देखते हैं जबलपुर के बारे में। और कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों आपको शायद पता हो, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से यहाँ पे हुआ था, जो 1939 में 1939 में हुआ था, जो काफी फेमस अधिवेशन था, जो जबलपुर के निकट ही त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुरी सुंदरी के मंदिर में। और जो यहाँ पे दोस्तों इस अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, थे वो दोस्तों थे सुभाष चंद्र बोस, आप ये जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जामों में रिपीट होता है, एमपी के साथ साथ बाहर के एग्जामों में भी ये पूछा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के विरोध करने के बाद अध्यक्ष बने थे, गांधी जी इनको नहीं चाहते थे कि अध्यक्ष बने उस अधिवेशन के, तो ये इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तिलवारा घाट नर्मदा नदी के तट पर ही महात्मा गांधी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था, तो ये आप ये याद रखें, काफी लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा दोस्तों, तिलवारा घाट मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर है जो जबलपुर पर, वहां पर उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। और नेक्स्ट दोस्तों झंडा सत्याग्रह, ये पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हुआ था 1923 में दोस्तों, और इसमें दोस्तों ये हुआ था 11 मार्च 1923 को, इसमें सेठ गोविंद दास और डीपी मिश्रा, ये दो लोगों के नाम है दोस्तों, जो काफी ज्यादा पीएससी वगैरह के क्वेश्चन हैं जो पीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप ये नाम भी याद रखें कि सेठ गोविंद दास और डीपी मिश्रा पूछे जाते। वैसे तो आप झंडा सत्याग्रह जबलपुर 1923 के से याद रखें, बट पीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जामों में डेट भी आ जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 11 मार्च 1923। मध्य प्रदेश का दोस्तों जो टाइम जोन है, मध्य प्रदेश का जो टाइम है दोस्तों, वो जबलपुर से ही डिसाइड होता है, ये काफी लोगों को नहीं पता, और ये व्यापम में 3 से 4 बार दोस्तों रिपीट हो चुका है, तो लोगों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो
आप याद रखें ये जबलपुर है। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे कि दोस्तों अब हम देखते हैं पर्यटन स्थल, आप देख रहे होंगे तो मैं आपको उनको पिक्चर के माध्यम से भी सारे पर्यटन स्थल दिखा दूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली मध्य प्रदेश के एग्जामों में पर्यटन स्थल पूछे जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या है, कहाँ पर है, जो लोगों को जनरली नहीं पता होता और कई बार लोग उसी डिस्ट्रिक्ट से होने के बाद भी मिस कर जाते हैं। तो आइए पर्यटन स्थल आपको मैं पिक्चर के माध्यम से, जैसा कि आप ये फर्स्ट में देख रहे हैं दोस्तों की मदन महल का जो किला है दोस्तों, ये गौड़ राजा के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों वहां के, तो उस टाइम दोस्तों वहां पर गौड़ शासक था, तो वहां के जो गौड़ राजा थे दोस्तों उस टाइम थे वो गौड़ राजा मदन शाह के द्वारा 1114 ईस्वी में ये आसपास समथिंग बनवाया गया था दोस्तों। आप ये जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो चुका है कि मदन महल का किला कहाँ पर है या किसने बनवाया, कब बना, सारी चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों संग्राम सागर। संग्राम सागर दोस्तों और जो वाजना मठ है ये भी उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था उसी टाइम पे, तो आप ये भी याद रखें ये 1400 ईस्वी के समथिंग निर्माण किए गए थे। तो ये संग्राम सागर आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत पिक्चर, और ये बाजना मठ है दोस्तों ये भी जबलपुर में ही है। और नेक्स्ट है दोस्तों ये कचनार सिटी। दोस्तों ये शंकर जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कचनार सिटी में है, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ये हनुमान ताल दोस्तों अभी लास्ट ईयर ही पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि हनुमान ताल कहाँ, तो जो जबलपुर से बिलोंग करते होंगे दोस्तों उनको तो पता होगा, पर जो बाहर के बच्चे थे उन्हें काफी कंफ्यूज हुए कि हनुमान ताल कहाँ दोस्तों। तो ये आप जरूर याद रखें क्योंकि ये पूछा जा चुका है व्यापम में। और मैं आपको बता दूं कि टोटल जबलपुर में 52 ताल के नाम से दोस्तों जगह हैं, तो अगर एग्जाम में कुछ भी ताल के नाम से आता है तो आप 99% श्योर रहिए कि आंसर जबलपुर ही होगा। 52 ताल हैं, आप ये याद रखें। ये भी व्यापम में पूछा जा चुका है कि किस शहर में 52 तालों का शहर, इस टाइप से क्वेश्चन आया था दोस्तों व्यापम में, तो आप ये याद रखें। और डुमना नेचर पार्क दोस्तों, उसकी पिक्चर दोस्तों ये है, डुमना नेचर पार्क है, डुमना नेचर रिजर्व, ये भी याद रखें। पर्यटन स्थल जबलपुर के और भी पर्यटन स्थल है वो भी हम देखते हैं, जैसा कि भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है, तो सफेद कलर की संगमरमर चट्टानें पाई जाती हैं, आप ये भी याद रखें क्योंकि जब ज्यादा डीपली एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछ लेता है पिंक थी कि हरी थी, क्योंकि राजस्थान साइड दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, बट जबलपुर में जो है दोस्तों वहां पर सफेद संगमरमर के लिए फेमस है भेड़ाघाट। और नेक्स्ट है दोस्तों धुआंधार वाटरफॉल, तो ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा रिपीट हुआ व्यापम में, वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा क्योंकि बहुत फेमस है। और नेक्स्ट दोस्तों वर्गी डैम, जो कि रानी अवंतीबाई के हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से भी फेमस है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखें। और इसका निर्माण कार्य दोस्तों 1971 से स्टार्ट हुआ था, जो क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है ईयर, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। और नेक्स्ट दोस्तों आप ये देख रहे हैं तिलवारा घाट, जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने इसे लिया। और रानी दुर्गावती का संग्रहालय भी दोस्तों जबलपुर के ही नजदीक बरेला ग्राम में है, तो आप ये भी देख सकते हैं पिक्चर में। और निदान वाटरफॉल भी है दोस्तों पास ही में, ये भी काफी खूबसूरत है दोस्तों। तो इस तरह जबलपुर के ये दर्शनीय स्थल पर्यटन स्थल देख लिए दोस्तों। और अब हम देखते हैं धार्मिक स्थल, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि व्यापम के किसी भी एग्जाम में दोस्तों पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल का डिस्ट्रिक्ट पूछा ही जाता है, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज लाए आपके लिए। तो फर्स्ट है दोस्तों पिशनहारी की मढ़िया दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ये जबलपुर में ये पिशनहारी की मढ़िया पिक्चर के माध्यम से, तो आप जिससे याद रहे, मैंने इसलिए सारी भी जो भी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल है उनकी पिक्चर लगा दिया हूँ कि आपको एक याद हो जाए, लिंक बन जाती है दोस्तों, जो इंसान पढ़ता और देखता तो उसमें काफी डिफरेंट फर्क होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर, जो आप देख पा रहे होंगे, और 64 योगिनी में दोस्तों कंफ्यूज ना हो, एक 64 योगिनी के नाम से खुजराहो में भी मंदिर है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएं, तो दोनों जगह है खुजराहो में भी जबलपुर में, जबलपुर में दोस्तों ये भेड़ाघाट के पास है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों रूपनाथ अभिलेख, अशोक का अभिलेख है दोस्तों रूपनाथ का, ये मौर्य कालीन है और पाली भाषा में लिखा है, जो कि पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है किस काल का है और किस भाषा का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ है दोस्तों और ये यूपीएससी में भी आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर दोस्तों, जो आपने पढ़ा अभी कि 39 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो यहाँ पे ही हुआ था उस टाइम। और ये तिगवा मंदिर है दोस्तों जो 5वीं सदी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि किस देवता का मंदिर है दोस्तों, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है तिगवा मंदिर, और ये 5वीं सदी का है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें, नहीं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट है ये बैलेंसिंग रॉक, ये भी जबलपुर में ही है,
ये काफी टाइम से ऐसा ही पत्थर है ये, तो ये इसको भी अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा देखरेख की जाती है इसकी, तो आप ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन, और अब देखते हैं दोस्तों कि जबलपुर में दोस्तों देश में प्रथम क्या रहा, तो वो जो एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, फैक्ट मैं आपके लिए वो लाया हूँ, ये रत्न परिष्कृत केंद्र है दोस्तों जो देश का, वो पहला जबलपुर में है दोस्तों। यहाँ पर रत्न को परिष्कृत मतलब तराशा जाता है, तो ये केंद्र है दोस्तों, और ये एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों विकलांग पुनर्वास केंद्र, ये भी देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में स्थित है। विद्युत मंडल का मुख्यालय भी दोस्तों भारत का पहला जबलपुर को ही बनाया गया था, तो ये जबलपुर में फर्स्ट जो भी रहा है दोस्तों, देश का फर्स्ट जबलपुर में, वो फैक्ट थे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम है, तो जैसे दोस्तों भूकंप रिएक्टर स्केल स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, पहला जो वो जबलपुर में किया गया था। नगर निगम जो पहला बनाया गया था मध्य प्रदेश को, वो जबलपुर को ही बनाया गया था 1864 में। और दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से फर्स्ट स्थान रखता है जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो ये शायद आपको भी पता हो। और साथ में आप ये भी याद रखिए कि पुरुष साक्षरता में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान है, और सेकंड है दोस्तों पुरुष साक्षरता में इंदौर, और साक्षरता में भी दोस्तों सेकंड है इंदौर। तो आप ये याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऑर्डर वाइज पूछ लेते हैं, फर्स्ट या तो ऑप्शन में नहीं रहता, तो फिर आंसर इंदौर हो जाएगा, ऐसा जनरली पीएससी में होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आइए देखते हैं, और जैसा कि हाईकोर्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है, आपको पता होगा, और उसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में भी स्थित है। और दोस्तों स्थापना डेट पूछ लेता है, तो आप याद रखें कि 1 नवंबर 1956 को हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, जैसे कि आप पिक्चर में भी मैंने लगा दिया आपके लिए, कि याद रहे आपको, पिक्चर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। तो आइए चलते हैं आगे, और ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों, हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी वहां पर यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह है, गवर्नमेंट प्राइवेट्स, तो आपको भी याद रखें, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर 1956 से है दोस्तों। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय भी है जो कि कटनी में भी है और जबलपुर में भी, तो आप कंफ्यूजन ना हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है दोस्तों यहाँ पर, और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय जो कि पहले नाम था दोस्तों उसका सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट में भी लिख दिया, एनएससीबी के नाम से लोग इसको जानते हैं, बट 2012 से दोस्तों इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तो आप ये याद रखें, अब ये यूनिवर्सिटी हो चुकी है। और IIITDM के नाम से दोस्तों यहाँ पर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजाइन एंड मैनेजमेंट जो IIIT कैटेगरी, IIT की कैटेगरी के जो 7 कॉलेजों में से इंडिया का एक जबलपुर में दोस्तों, जो 2005 में यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ, जो कि डुमना क्षेत्र में है जबलपुर के, तो आप ये जरूर याद रखें, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक IIIT दोस्तों ग्वालियर में भी है, और ये IIITDM है दोस्तों, और वहां पर ओनली IIIT है, तो आप ये जरूर याद रखें, और इसका नाम है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि लोगों को नहीं पता है। और नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ पर 1964 से है, तो आप ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए मैंने आपके लिए सन भी लिख दिए हैं। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो 1947 पर यहाँ पर खुला, तो आप सारे फैक्ट मैंने आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो काफी ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो प्रशिक्षण संस्थान जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये वो स्टेप से, तो वो भी हम जो देखते हैं, जो मैन यहाँ जबलपुर पे है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र दोस्तों खमरिया में प्रस्तावित है दोस्तों, जो जबलपुर से ही 10 किलोमीटर दूर है। और नेक्स्ट है दोस्तों एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में स्थित है, महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र दोस्तों ये भी यहाँ पर है, और उष्ण कटिबंध वन अनुसंधान केंद्र जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो मैन दोस्तों जो भारत का है वो देहरादून में है, और ये क्षेत्रीय कार्यालय है जो यहाँ पर है। तो आइए अब और आगे टॉपिक देखते हैं दोस्तों जबलपुर के फैक्ट कि जैसे कि दोस्तों उद्योग के क्षेत्र में दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जबलपुर सिर्फ भारत का, मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पर 5 फैक्ट्री है एक शहर में, तो आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ पर है, तो आपको उनके जरूर नाम याद रखने हैं कि हैवी व्हीकल कारखाना दोस्तों यहाँ पर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री है, गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राफ वर्कशॉप है, जो लोगों को नहीं पता है तो इसलिए मैंने उसको जरूर शामिल किया है कि गवर्नमेंट पोस्ट टेलीग्राफ वर्कशॉप आप ये जरूर याद रखें, और 506 आर्मी बेस वर्कशॉप भी है, ये दो लोगों दोस्तों को जनरली लोगों को नहीं पता होती, इसलिए आप इन्हें भी याद रखें, मैंने इनको भी शामिल किया। और ये पूछी जा चुकी है दोस्तों कि गवर्नमेंट पोस्ट टेलीग्राफ कहाँ पर है। और दोस्तों जैसे कि चीनी उद्योग,
चीनी मिट्टी का जो उद्योग है उसके लिए जबलपुर फेमस है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में इसका फर्स्ट स्थान है चीनी मिट्टी के उद्योग में, बीड़ी उद्योग में और जिलेटिन। और ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बीड़ी उद्योग में प्रथम स्थान रखने वाला जिला, तो इसलिए मैंने आपको शामिल कर दिया है इनको। जैसे कि दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ है उसके लिए भी जो तोप बनी थी दोस्तों वो यहाँ से ही गई थी, तो आप ये जरूर याद रखें। यातायात के क्षेत्र में दोस्तों रेलवे, रेलवे में फर्स्ट दोस्तों प्रदेश का पहला रेल मार्ग जो कि जबलपुर टू अलाहाबाद 1867 में यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पीएससी और व्यापम में काफी ज्यादा रिपीट हुआ, तो आप इसे याद रखें। और प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे दोस्तों, उसका मुख्यालय है जबलपुर, जो 2003 में 1 अप्रैल 2003 को बनाया गया। और सड़क मार्ग में दोस्तों NH7 नेशनल हाईवे वाराणसी टू कन्याकुमारी यहाँ से गुजरता है दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा शामिल किया कि आप कंफ्यूज ना हो। और NH12 जो है दोस्तों जबलपुर टू जयपुर, आप ये भी याद रखें, ये भी यहाँ से गुजरता है। जब कई बार क्वेश्चन काफी टफ आते हैं दोस्तों तो इस टाइप से पूछ लेता है कि NH7 मार्ग किन शहरों से होकर गुजरता है, ये आपको पता होगा दोस्तों। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पीएससी में, इसलिए मैंने ऐसे भी शामिल किया है। और नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि वायु वायु मार्ग में, वायु मार्ग में भी दोस्तों जबलपुर हवाई अड्डा है यहाँ पर डुमना क्षेत्र पर, तो ये वायु मार्ग के द्वारा भी जबल भारत के जो प्रमुख शहरों उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों जबलपुर के बारे में बात करें। और ये दोस्तों जबलपुर के एयरपोर्ट की फोटो है, वो भी मैंने आपके लिए लगा दी है, इससे लिंक बनी रहे आपकी। और अब आगे देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया बांध दोस्तों को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से बरगी बांध जो कि बरगी नदी पर दोस्तों, अगर ऑप्शन में दोस्तों बरगी नदी दिया तो आप पहले बरगी नदी लगाएंगे बाद में नर्मदा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये उसी की सहायक नदी वहां पर जाकर मिल जाती है। तो अगर ऑप्शन में नर्मदा नहीं है दोस्तों या नर्मदा भी दिया है और बरगी भी दिया है, तो राइट आंसर दोस्तों बरगी ही होगा। तो ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसे शामिल किया। और ये 1971 में यहाँ से इसका स्टैब्लिश मतलब कार्य चालू हो गया था बनना वहां पर डैम। और दोस्तों जैसा कि खनिज के क्षेत्र में कुछ तो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि फेल्सपार स्पेशली दोस्तों फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, ये एमपी में दोस्तों सिर्फ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही फेल्सपार पाया जाता है, और सेलखड़ी और गेरू ये तीनों के लिए आप स्पेशली याद रखें, इन तीनों के लिए ओनली जबलपुर ही फेमस है, यहीं पे मिलता है। बाकी जो अन्य है सूरमा शीशा और लोहा ये इनके लिए भी है प्रसिद्ध है, बट आप फेल्सपार स्पेशली याद रखें। व्यापम में पूछा जा चुका है कि फेल्सपार किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और आगे का जो क्षेत्र देखते हैं दोस्तों कृषि, कृषि में तो कृषि में दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ गेहूं की खेती वाला एक हवेली क्षेत्र है, उसको आप याद रखें जो नर्मदा तट के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और अन्य फसलें दोस्तों यहाँ की चावल और चना है, और दलहन फसलें भी यहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप ये सभी फैक्ट याद रखें। और वन के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर्णपाती सागौन वन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस तरह का वन किस एरिया में पाया जाता है, तो जो फेमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं पूछ लेता है कि इंदौर में क्या होता है जबलपुर में, तो जबलपुर का भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखना है तो हम जबलपुर के बारे में बात करेंगे। तो पर्णपाती सागौन वन पाए जाते हैं, और वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो भी यहाँ पर है। और अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों की खेल के क्षेत्र में जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो भी मैंने हर डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स भी पढ़ेंगे। क्योंकि हॉकी टेबल टेनिस बैडमिंटन का एसोसिएशन का मुख्यालय है दोस्तों जबलपुर में, जो आपको याद रखना है कि हॉकी टेबल टेनिस और बैडमिंटन इन तीन चीजों का मुख्यालय है, और मोस्टली मुख्यालय दोस्तों ग्वालियर या इंदौर में, उसके बाद हॉकी टेबल टेनिस बैडमिंटन का, बट क्रिकेट का वहां दोस्तों इंदौर में। और एकलव्य तीरंदाजी की एकेडमी है, ये याद रखना है, न्यू खुली है। और मैदान दोस्तों स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये मैदान वो मैदान कहाँ, जनरली लोगों को पंडित रविशंकर स्टेडियम याद है, बट मैंने पटेल स्टेडियम और शिवाजी स्टेडियम भी शामिल किया जो कि व्यापम में। पटेल स्टेडियम दोस्तों अभी लास्ट ईयर पटवारी के क्वेश्चन में पूछा गया, तो लोगों को किसी को नहीं पता था, सबने कुछ भी तुक्का मार दिया था, तो पटेल स्टेडियम दोस्तों जबलपुर में है, और शिवाजी महाराज स्टेडियम भी जबलपुर में ही है। ये तीनों स्टेडियम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काफी ज्यादा एक बार रिपीट हुए हैं और जो लोगों को जिनमें काफी कंफ्यूजन है, जैसे कि आंवला जिला था आप जानते होंगे, सॉरी आम जिला मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, आम जिला के नाम से घोषित किया गया है इसको। और हिरण नदी दोस्तों जो लास्ट ईयर व्यापम में क्वेश्चन आया था, हिरण नदी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, आप इसे रट लें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 2 बार और दोनों बार लोगों को इसका आंसर नहीं पता था, तो हिरण नदी याद रखें जबलपुर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म भूमि रही दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, और उनके हर एक जो स्टेप के दोस्तों कवित्री या लेखक रहे उनके स्पेशली यूनिवर्सिटी वाइज स्मृति समारोह होते हैं, तो इनका जो स्मृति समारोह वो दोस्तों जबलपुर में ही होता है हर साल, तो
तो आप ये जरूर याद रखें। और ये होता है जबलपुर के RDVV मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जाता है। तो ये भी पूछा गया है कि स्मृति समारोह किन के द्वारा करवाया जाता है, तो मैंने वो भी शामिल किया। और आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये इनकी फोटो पिक्चर, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मभूमि। और स्मृति समारोह आप जरूर याद रखें, RDVV में होता है। और नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से संबंधित व्यक्ति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें लोगों को मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, तो लोग अगर नाम भी याद रहता है बट लोग जानते नहीं है, तो मैं उनके लिए भी लाया। जैसे कि जया बाद्री, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि जया बाद्री का जन्म किस जगह हुआ मध्य प्रदेश के, तो लोगों ने जनरली भोपाल लगा दिया था कि जानते हैं कि भोपाल में अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई, बट उनका जन्म दोस्तों जबलपुर में हुआ। ये आप याद रखें, ये एग्जाम में आ चुका है। और आदेश श्रीवास्तव दोस्तों जो कि सिंगर थे, जिनका लास्ट ही 2-3 ईयर पहले दोस्तों उनकी डेथ हो गई है, तो उस टाइम ये काफी ज्यादा लाइटली रहा ये क्वेश्चन, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है आदेश श्रीवास्तव का संबंध, तो ये भी जबलपुर से है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों किरण खैर, जिनको आपने काफी देखा होगा टीवी में, तो दोस्तों इनकी भी शिक्षा दोस्तों यही हुई है, इनने स्कूलिंग जबलपुर से की है, तो इनका भी पूछा जा चुका है संबंध कहाँ से है। और नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि शायद आपको ही पता हो, अर्जुन रामपाल, इनका संबंध भी जबलपुर से है। और रघुवीर यादव दोस्तों, ये एग्जाम में आया तो किसी को नहीं पता था दोस्तों, रघुवीर यादव लोग इनको नाम से जानते भी नहीं, बट ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने इनको देखा होगा शायद, आप पहचान जाए। रघुवीर यादव का संबंध दोस्तों जबलपुर से है। और टॉम आल्टर, शायद अगर आपको पता हो दोस्तों, पिक्चर देख के शायद आप पहचान जाए, ये है दोस्तों टॉम आल्टर, इनका संबंध भी जबलपुर से है। ये 6 क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं दोस्तों पर्सनैलिटी में, वैसे तो काफी सारी पर्सनैलिटी है, सेठ गोविंद दास, तो उस टाइप के लोगों को याद रहते हैं, पर इनमें लोगों को दोस्तों बिना पिक्चर के कंफ्यूज रहते हैं। जैसे रघुवीर यादव का क्वेश्चन 3 बार व्यापम ने पूछा, बट लोगों को इसका आंसर क्लियर नहीं। ये थी हमारी आज की सीरीज, तो दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें, ताकि सभी को इस तरह के इंपॉर्टेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, हम 52 डिस्ट्रिक्टों की सीरीज चला रहे हैं, वो सभी को पता चल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।